वेरी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं द थिंक टैंक। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को अपनी बाइक पल्सर 150 में अपना वो नया वाला कार्बोरेटर इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो वीडियो पूरी देखें, कहीं भी स्किप ना करें, ज्यादा बातें ना करते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करते हैं, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो देख सकते हैं मैंने अपनी बाइक की सीट खोल ली है। सीट खोलना तो आपको आता ही है, ये साइड पैनल खोलना है और इसको खींचना है और अपनी सीट जो है खुल जाती है। और मैंने आपको मैं बता दूं, मैंने स्प्लिट सीट इंस्टॉल किया हुआ बट सेंटर लॉक मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। ऐसे ही मैं यूज़ कर रहा हूँ और ऐसे ही अपनी गाड़ी को चला रहा हूँ। और आज की जो वीडियो है वो है अपनी कार्बोरेटर चेंज की। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं ये है अपना कार्बोरेटर अपनी बाइक का। ओके, ये देखिए। ओके, तो ये है अपना कार्बोरेटर। तो अभी हम इसको खोलेंगे यहाँ से 8 नंबर का। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है दोस्तों, मैंने इसको साफ़ भी किया, अपने इस ड्रेन को साफ़ किया, फ्लॉट को साफ़ किया और फ्लॉट पिन भी इसकी चेंज करी, बट इसकी जो ये प्रॉब्लम है, ये देखिए, मैंने ड्रेन पाइप, ये जो है ये ड्रेन पाइप है, जब बाइक अपनी ये कार्बोरेटर पेट्रोल ओवरफ्लो करने लगता है तो इस जगह से ये यहाँ से होता हुआ इस पाइप से, ये देख सकते हैं ये पाइप है, वो मैंने इसी साइड लगा रखा है, तो यहाँ से ओवरफ्लो होने लगता है। ओके, तो मैंने ये सब कुछ किया, फ्लॉट साफ़ किया, इसका ड्रेन साफ़ किया, सब कुछ क्लीन कर लिया, उसके बावजूद भी इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। मैंने इसका फ्लॉट पिन भी चेंज कर लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो फ्लॉट पिन आपको, ये है दोस्तों वो फ्लॉट पिन, मैंने इसको भी चेंज किया बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि मैं इसका फ्लॉट भी चेंज कर दूँ, मैं अपने इस कार्बोरेटर का फ्लॉट भी चेंज कर दूँ, बट मुझे लगा अगर मैं फ्लॉट चेंज कर देता हूँ उसके बाद भी अगर ये प्रॉब्लम आती है तो फिर मेरा 250-300 रुपये ख़राब हो जाते हैं, और उसके बाद भी अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर मुझे दोबारा से अपना ये कार्बोरेटर खोलना पड़ेगा, फिर नया इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कई तरह के सवाल मेरे माइंड में उठने लगे, तो उससे लेकर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस कार्बोरेटर को ही चेंज कर दूँ। तो चलिए आज अपने इस कार्बोरेटर को हम चेंज ही कर लेते हैं सीधे, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे पास में। मैं अब इसका कोई फ्लॉट वगैरह चेंज नहीं करूँगा, बार बार रिस्क नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। तो आज मैं अपने इस कार्बोरेटर को ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले खोलेंगे हम इसके फ्यूल टैंक को। ओके, तो फ्यूल टैंक खुलेगा यहाँ से इस 12 नंबर के बोल्ट से, तो चलिए वो मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, ये है अपना 12 नंबर की गोटी। ओके, और ये इसका हैंडल है। अब एक चीज मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ दोस्तों, देखिए, जब आप अपना पेट्रोल टैंक आप खोलेंगे तो अगर आपका कंपनी फिटेड कार्बोरेटर रहेगा तो उस पर आपको ये देखिए आपका मॉडल नंबर मिल जाएगा KIUG 4.5। इसको खोलने के लिए हमें चाहिए होगा 8 नंबर का और 9 नंबर का रिंग पाना। ओके, तो ये एक यहाँ से खुलेगा दोस्तों और एक उस साइड का खुलेगा, तो उस साइड का हम उस तरफ से खोल लेंगे। दोस्तों, मैं इसको यहाँ से इसलिए खोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से खोलने से अपना ये जो कार्बोरेटर है वो इजीली बाहर आ जाता है, यहाँ से खोलने पर हमें दिक्कत होगी। तो इस साइड का नट दोस्तों मैंने खोल लिया है, मैं दोस्तों ये वाला नट खोल लूंगा इसी 8 नंबर के रिंग से। ओके, ये देखो, ये भी खुल गया अपना। खोल लेंगे अपने इस वायर को, एक्सेलरेशन वायर को, और इसको अनप्लग कर लेंगे। ये खींच करके अपना अनप्लग हो जाता है दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, ये हो गई अपनी एक्सेलरेशन की वायर रिमूव। और अब हम खोल लेंगे इसके अंदर का वो स्क्रू यहाँ पे, जो अपने एयर फिल्टर की हॉस पाइप का जो स्क्रू है उसको हम खोल लेते हैं। ओके, इसको तो मैं इसमें दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैंने एडजस्ट करके लगा लिया इसको अपने स्क्रू ड्राइवर को, और मैं आराम से इसको खोलने की कोशिश करता हूँ। अब हम बड़े प्यार से इसको या उस साइड से खींच करके बाहर निकालेंगे, तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये
अपना ड्रेन पाइप, ये अपना दो। अब मैं आपको इसका सीरियल नंबर, मॉडल नंबर सब मैच करके दिखा देता हूँ। ओके, देख सकते हो दोस्तों, ये है मेरा कंपनी फिटेड कार्बोरेटर। ओके, इस पर आप अगर गौर से देखें तो ये आपको मॉडल नंबर मिल जाएगा KIUZ 4.5। ओके, और ये शायद इसका सीरियल नंबर है BS 2948 है या 40 है, 12 कार्बोरेटर, सी का मतलब कार्बोरेटर। ओके, अब मैं आपको दिखा देता हूँ अपना नया वाला। ओके, और इसका एक चीज़ और दोस्तों, ये देखिए है ना KIUZ 4.5, तो इसको रखते हैं साइड में। ओके, तो ये देखिए, देख सकते हैं ये मेरा वही कार्बोरेटर का डब्बा है DH 1211। ओके, और ये है अपना नया कार्बोरेटर, खोल के मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस पर भी आपको ऊपर की साइड में देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था है ना, फ्लैश की वजह से नहीं दिख रहा, KIUZ 4.5। ओके, हमें इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है दोस्तों, किसी भी तरह के कोई छेड़खानी नहीं करनी है। और ये देखिए है ना, इस पर आपको मिल गया आपका मॉडल नंबर KIUZ 4.5। ओके, इसका ये वाला हॉस पाइप, इसको हम साफ करके ले लेंगे और साफ करके खोल करके तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा कार्बन वगैरह भी होगा, देख सकते हैं ये देखा है ना, तो इसको पहले साफ़ कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम इसको साफ़ कर लेते हैं। ये मैंने खोल के ले लिया, मैंने यहाँ से ढीला कर लिया। ओके, और सबसे पहले आपको देख लेना है कि ये कहीं टूटा उटा तो नहीं है या कहीं से क्रैक वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अगर ये क्रैक होगा तो दोस्तों आपकी बाइक पिकअप नहीं लेगी और अच्छे से वर्क नहीं करेगी। ओके, तो आपको ये भी चेक कर लेना है कि ये कहीं से टूटा तो नहीं है और इसकी ये जो सील है ये कहीं से कटी तो नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों, ये कितना गंदा था। ओके, कितना इसमें डस्ट निकला है। अगर हम इसको ऐसे ही इंस्टॉल कर देते तो कोई बेनिफिट नहीं होता। देख सकते हैं दोस्तों, ये अपना बिल्कुल चकाचक साफ हो गया है। ये देखो, ये लगेगा दोस्तों अपने इस नए कार्बोरेटर के इस साइड वाले हिस्से में। देख रहे हैं दोस्तों आप, ये पॉइंट अपना यहाँ पे अटैच होगा है ना, इस जगह पर, ये देखें इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप लोग, हो गया अटैच। ओके, अपने इस स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको टाइट कर लेंगे। इसको भी पूरा टाइट कर लेंगे, ये हो गया अपना टाइट दोस्तों। ठीक है, अब हमें इसकी किसी भी सेटिंग में छेड़खानी कुछ भी नहीं करनी है, ना हमें इसकी एडिंग बढ़ानी है, ना एक्सेलरेशन को बढ़ाना है, ना किसी पॉइंट को, कुछ भी छेड़खानी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। सॉरी दोस्तों, मुझे लगा रिकॉर्डिंग चल रही है लेकिन मैं दिखा नहीं पाया। मैंने इसको फिट किया है उस साइड से और पुश करके लगा दिया है, और अभी यहाँ का एक पेच लगाया और मैंने ये अपनी एक्सेलरेशन केबल लगाई है, और मैंने देखा कि मेरी रिकॉर्डिंग चालू नहीं है, तो अब मैंने अपनी रिकॉर्डिंग चालू करी है और मैंने अभी सिर्फ ये अपनी एक्सेलरेशन केबल लगाया और ये लगाया। ओके, अब इसको वापसी से हम इसको टाइट कर लेते हैं। जिस हिसाब से टाइट करने से होता था उसमें प्ले छोड़ दिया मैंने। अब अपने को ये वाला यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे। अब इसके बाद दोस्तों अपने को कस लेने हैं अपने ये दो पेंच। ये हो गया अपना फुल टाइट। ओके, और देख सकते हैं इस पे अपना वही वो पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। ओके, इसको मैं इस पाइप को मैं कर देता हूँ ऊपर इस तरीके। चलिए, ये यहीं रह जाएगा। अब बस फ्यूल टैंक इंस्टॉल करना है अपने को, फ्यूल टैंक लगाना है, पेट्रोल की सप्लाई देनी है, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। पेट्रोल की सप्लाई
यहाँ सप्लाई देंगे इसकी। आप देख सकते हैं ये कैप, अभी कैप भी नहीं रिमूव हुई है मैंने। पेट्रोल कम है तो इसको मैं रिजर्व में कर लेता हूँ। हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आपको आरपीएम दिखा देता हूँ। आरपीएम आप देख सकते हो बिल्कुल सेट है। इसका फ्लैश ऑफ करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। थोड़ा सा मीटर मेरा गंदा हुआ पड़ा है, मुझे एल्डिंग भी छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही आरपीएम है, मतलब 1000 प्लस आरपीएम है दोस्तों। अब मेरी जो प्रॉब्लम है ओवरफ्लो की, वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। बाइक को करता हूँ मैं ऑफ। तो फाइनली दोस्तों हमारी गाड़ी हो चुकी है पैक, आप देख सकते हो। ओके, और मैंने इसका इसकी की लगा के इसको ऑन भी कर दिया है। और अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी बाइक को, देखते हैं। आप इसका एग्जॉस्ट नोट सुन सकते हैं, बिल्कुल ही चेंज हो गया है एग्जॉस्ट नोट इसका। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही आपके एरिया में ये कार्बोरेटर आपको कितने का मिला, या इससे सस्ता मिला है या इससे महंगा मिला है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका एमआरपी तो मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया था, फिर भी आपको एक बार और दिखा देता हूँ। थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं आ रहा दोस्तों, 2511 रुपये इसका एमआरपी है। ओके, और मिला ये मुझे 1971 रुपये का है। तो देखते हैं, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएँ। तो दोस्तों इसी तरह की मैं वीडियोज़ अपने इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ, बाइक को मॉडिफाई से रिलेटेड और कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम को लेकर के, जो कि अक्सर अपनी बाइकों में आ जाती हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो होगी आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर, कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम। और